तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अंबिकापुर की चौपाटी और यहाँ पानीपुरी के ठेले कितने सारे लगे हैं और कैसा उन लोगों का प्रोसेसिंग है, कैसे बनाते हैं, तो वो सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और क्या रेट है तो वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ पानीपुरी वाले भैया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये है अंबिकापुर की चौपाटी और अभी टाइम हो रहा है, धीरे धीरे चौपाटी लगनी जा रही है, सभी दुकानें खुलने जा रही हैं। और इस लाइन में जो आप लाइन देख रहे हो ये, इसमें काफ़ी सारी पानीपुरी की दुकानें हैं। तो सभी दुकान में चल के मैं आपको दिखाऊंगा उनका सेटअप वगैरह कैसा है और क्या क्या सामान रखते हैं और कैसे कैसे स्टार्ट बनाते हैं, ये सब इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ये देख सकते हैं सबसे पहले कृष्णा चाट सेंटर में आते हैं अपन। और ये भाई साहब का आप लोग देख सकते हो दुकान, अभी तो दुकान खुल रही है तो भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, पानी रखा हुआ है, पानी भी कम है, मतलब ख़त्म हो जाता है तो तुरंत बना लेते हैं भैया, कहना ऐसा। और यहाँ पे देख सकते हो तवे में समोसा वगैरह सभी रखे हुए हैं और हरा कलर का पेंट किया हुआ है इन्होंने ठेले में, जो काफ़ी यूनिक दिख रहा है वैसे। और आप आगे चल के मैं दिखाऊंगा सभी ठेले के प्रोसेसिंग आपको दिखाऊंगा मैं इसमें। तो आगे चलते हैं, एक और दुकान आपको दिखाते हैं, क्या नाम है इनकी दुकान का, धर्मेंद्र चाट सेंटर। ये देखिए इन भैया का प्रोसेसिंग क्या है, देखा जाए तो इनके ठेले में भी हरा पेंट है, मेरे ख्याल से सभी ठेलों में हरा पेंट किया गया है यहाँ पे। और देखो ऊपर पापड़ी है, ये वाला पापड़ी का काम आता है भैया, इसका पापड़ी चाट। तो भैया इसका पापड़ी चाट बनाते हैं जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है, मटर वगैरह, दही वगैरह, मीठी वगैरह डाल के बनाते हैं। और इनका ठेला देखिए आप लोग, भाई साहब चक्कू देखो पहले, कितने सारे चक्कू रखे गए हैं और बल्ब वगैरह होल्डर में लटकाए हुए हैं, इस तरफ भी बल्ब है, मतलब ठेला का जो ऊपर का सेटअप है ना भाई, रेक वगैरह काफ़ी मस्त है। और ये दही रखे हुए हैं और यहाँ पर ना दही वगैरह मीठी चटनी के बड़े बड़े डब्बे रखते हैं। और यहाँ पर देखो इमली को ना घोल के एक्स्ट्रा खट्टा के लिए यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कभी कभार आपको पानी पूरी का पानी ही दे दिया जाता है, बट यहाँ पे ना इमली को घोल के एक्स्ट्रा खट्टा के लिए दिया जाता है। मसाला कम बनाते हैं थोड़ा सा, मतलब तुरंत तुरंत जितना जल्दी हो सके, तुरंत ख़त्म हो तुरंत बना लिया जाए। और पानी पूरी के साइज़ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी है। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट ठेले में, क्या ठेले का नाम है, सोल्जर चाट सेंटर। तो चलिए बात करते हैं, सोल्जर नाम बढ़िया है, सोल्जर किसका नाम है, अच्छा मामा का एक नंबर नाम है। और यहाँ पे भैया प्याज काट रहे हैं और देखो पूरी सेटअप लगा के रखे हैं, मतलब तवे पे ना समोसा और टिक्की साथ में, क्योंकि देखो फ्राई चाट तवे पे नहीं बनाते, क्योंकि जहाँ जैसा काम चलता है वहीं चलेगा। जैसे कहीं कहीं ना आप देखेंगे तवा में पूरा भर के रखते हैं और कहीं कहीं सिर्फ टिकिया चाट बनाते हैं और कहीं कहीं समोसा दबा के टिकिया दबा के फ्राई करके दे देते हैं। और आगे एक आपको फास्ट फूड की दुकान दिखाता हूँ मैं, ये देखिए भैया पत्ता काट रहे हैं। हाँ भैया, हाँ भैया, देखिए पत्ता को भी कट रहा है भैया, पत्ता को भी कट रहा है। हाँ, तो आपको दुकान कितने में रेडी हो जाएगा? अरे आप इस दुकान में 4 बजे रेडी हो जाएगा सर। तो बहुत देर में, मतलब बाकी तो पानी पूरी की जो दुकानें हैं सब तो रेडी हो चुकी हैं। ये अपनी दुकान 1 बजे खुलती है चौपाटी में, और अपने 10 बजे रात को बंद होती है, 1 बजे खुलती है, रात को 10 बजे रात बंद हो जाती है। हाँ सर। तो ये देखिए भैया लोग के पीछे पूरा सेटअप रहता है, इसमें पूरा सामान बंद कर देते हैं। हाँ, पूरा एकदम सामान रखा जाता है। क्या क्या सामान रखे वैसे आप? इसमें तो मैं खाली 4 आइटम बनाता हूँ, सोया चौमिन पनीर मंचूरियन सर, बस 4 आइटम। हाँ, ये देखिए नूडल्स रखे हैं भैया। हाँ हाँ, नूडल्स। अभी चौपाटी भीड़ नहीं होती, मतलब कितने टाइम भीड़ होती है तकरीबन? 6-7 बजे तक देखिए, कभी कभी भीड़ भी लग सकता है, कभी तो अपना मर्जी से है। हाँ, कभी पब्लिक दिनों में भी आ सकते, कभी तो भगवान के लिखा हुआ, भगवान के लिखा हुआ है, कभी भी हो सकता है चौपाटी में। सही बात बोल रहे हो भैया, हम सही। और एक और पानी पूरी की दुकान दिखाऊं मैं आपको, मतलब सेम यहाँ पे क्या है पता है कि फ्राई चाट नहीं बनाते ना भैया कोई? हाँ बनाते हैं भैया, टमाटर चाट। दुकान वाले भैया वहाँ पे देखिए चाय पी रहे हैं, फ्राई चाट नहीं बनाते हैं ना, मतलब तवा में फ्राई करके नहीं बनता है। तो भैया यहाँ पे देखिए चाट बना रहे हैं, समोसा चाट बना रहे हैं भैया, टिकिया चाट बना रहे हैं भैया, देखिए ये समोसा चाट बना रहे हैं भैया, देखिए मैनेजर वो हैं बोलते हैं। ये देखिए जग्गू भैया सही फाइनल जा रहे हैं, कितने कितने चाट भैया?
और फाइनली प्याज। पापड़ी, सेव। तो आगे मैं आपको एक और दुकान दिखाता हूँ, और यहाँ ना काफ़ी सारी दुकानें लगी हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से वहाँ तक। ये एक बात पूछूँ मैं आपसे, सबके ठेले में हरा पेंट है जी। कैसे? लॉजिक समझ में आया मेरे को ये, मतलब ये ठेला आपका है, वो ये ठेला उनका है, वो उनका है, लेकिन सबके ठेले में हरा पेंट है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, हरा पेंट है ना, जो देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है ऐसा। इन भाई साहब का ठेला देखो, और मैं इसमें बात बताऊँ तो देखो, हरा पत्ता जो है ना दोना, आपको हर जगह पे हर दुकान में मिल जाएगा, चाहे वो दुकान किसी के भी हो। चाट कैसे देते हैं भी आप? चाट 30 रुपये प्लेट। 30 रुपये प्लेट, हाफ हाफ प्लेट 20 रुपये, हाफ प्लेट 20 रुपये, मतलब यहाँ महंगा है थोड़ा सा सूरजपुर से। तो मैंने आपको अंबिकापुर की चौपाटी दिखा दी, जहाँ मैक्सिमम चाट फुल्की के ठेला लगे हैं, देख सकते हो आप लोग। और लेकिन एक दिक्कत है, मतलब यहाँ ना बहुत सारे चाट फुल्की के ठेला हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 दुकान है, लेकिन फ्राई चाट, जैसे तवा चाट रहती है ना दोस्तों, तवा में फ्राई करके टमाटर वगैरह फ्राई करके बनाते हैं, वैसा शायद कोई नहीं देता, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही है। मान के चलो 10 रुपये की हाफ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 30 रुपये प्लेट है डायरेक्ट, और उसमें भी फ्राई नहीं करते। तो वो हर जगह अलग अलग मैटर करता है कि आप लोग क्या खवाना चाहते हो, क्या नहीं खवाना चाहते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।